हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग M30s के सेकेंड सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। आज ही सैमसंग M30s में सेकेंड सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। एक महीने के अंदर में हमें इस फोन में हमें दूसरा अपडेट मिल गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस न्यू अपडेट में क्या चेंज लॉग हुआ है और साथ ही आपके सामने ही फोन अपडेट करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो है ASI2। ये 106 MB का अपडेट था और न्यू अपडेट का वर्जन है ASJ1। दोस्तों, ये 146 MB का अपडेट है और इस अपडेट में जो चेंज लॉक किया गया है वो है सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव्ड, डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड बग फिक्सेस, न्यू एंड इनहेंस फीचर, फर्दर इम्प्रूवमेंट टू परफॉर्मेंस। ये है कुछ चेंज लॉग जो इस अपडेट में आपको मिलेंगे। तो चलिए अब इसे जल्दी से डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या न्यू फीचर ऐड किया गया। तो दोस्तों, ये हो गया डाउनलोड, अब इसे करते हैं इंस्टॉल। दोस्तों, ये हो गया डिवाइस अपडेट, अब देखते हैं न्यू सिक्योरिटी पैच आया या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। देखते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक फास्ट हुआ या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर पहले जैसा ही काम कर रहा है, फेस अनलॉक भी पहले जैसा ही काम कर रहा है। देखते हैं कैमरा ऑटो फोकस फास्ट हुआ या नहीं। आप देखें और बताएं कैमरा ऑटो फोकस फास्ट हुआ है या नहीं। इसमें और भी क्या न्यू फीचर ऐड किया गया है और क्या बग फिक्स किया गया है वो फोन कुछ दिन यूज करने के बाद ही पता चलेगा। फोन यूज करने के बाद हम आपको बता देंगे इसमें क्या न्यू फीचर ऐड किया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।